तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, सीएम हाउस में संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को उपहारों के लिए यहां आप देख सकते हैं तस्वीरें, सीएम हाउस में संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है, खास तैयारी सीएम हाउस में की गई है। संग्रहालय का उद्घाटन आज होने जा रहा है। सामाजिक भलाई के कार्यों में खर्च होगी राशि, सीएम हाउस में संग्रहालय का ये उद्घाटन, उसकी तस्वीरें यहां पर देखी जा सकती है। सीएम हाउस की स्मृति चिन्ह और तोहफों की होगी ई ऑक्शन। संग्रहालय का उद्घाटन यहां पर किया जा रहा है, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, रिबन काटने से पहले की ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से उद्घाटन के पहले ये देखिए उद्घाटन होने जा रहा है मुख्यमंत्री के हाथों। मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद है सीएम हाउस में, संग्रहालय का उद्घाटन होने जा रहा है। स्मृति चिन्ह और तोहफों की यहां पर ई ऑक्शन होगी। मुख्यमंत्री का यहां पर स्वागत साफ तौर पर नजर आ रहा है, फूलों का गुलदस्ता उन्हें दिया गया। सीएम हाउस की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं। तो बेहद ही खास मौका, और सीएम हाउस की ये तस्वीरें आप, लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख सकते हैं। संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री को मिले उपहारों के लिए ये संग्रहालय यहाँ पर है और इसका उद्घाटन आज किया गया है। सामाजिक भलाई के कार्यों में राशि खर्च की जाएगी। तो संग्रहालय का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्मृति चिन्ह और तोहफों की यहाँ पर ई ऑक्शन की जाएगी। जो तोहफे यहाँ पर मुख्यमंत्री को दिए जाते हैं उनका ऑक्शन हो सकता है। मुख्यमंत्री को मिले उपहारों के लिए ये संग्रहालय तैयार किया गया है। उद्घाटन यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा आज किया गया। सीएम हाउस में संग्रहालय का उद्घाटन आज हुआ है। ये उसी दौरान की तस्वीरें, सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर। मुख्यमंत्री को मिले उपहारों के लिए ये संग्रहालय तैयार किया गया है। बेहद ही खास दिन आज का, और सीएम हाउस की ये तस्वीर जहां पर संग्रहालय बनाया गया है, इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इस मौके पर खास तौर पर मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हुए। यह आप तस्वीरें देख सकते हैं, जाहिर तौर पर बेहद खुशी स्वागत मुख्यमंत्री का। मनोहर लाल खट्टर इस वक्त मौजूद हैं सीएम हाउस में, जहां संग्रहालय का उद्घाटन आज ये किया गया। इस दौरान की तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से मुख्यमंत्री को मिले तोहफे उपहार के लिए ये संग्रहालय बनाया गया है। सामाजिक भलाई के कार्य में राशि को खर्च किया जाएगा। सीएम हाउस में संग्रहालय का ये उद्घाटन और पूरे संग्रहालय का दौरा करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो जो भी स्मृति चिन्ह और तोहफे यहां पर मुख्यमंत्री को मिलते हैं उनका ई ऑक्शन किया जाएगा, इन संग्रहालयों में रखा जाएगा उन तोहफों को, उपहारों को, और उसके बाद उनका ई ऑक्शन हो सकता है। और जो राशि मिलेगी उन्हें किसी नेक कार्य के लिए यहां पर उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री को मिले उपहारों के लिए ये संग्रहालय बनाया गया है। उद्घाटन आज यहां पर किया गया मुख्यमंत्री के हाथों, मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद थे। ये संग्रहालय की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से ये पूरा संग्रहालय तैयार किया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं संग्रहालय में, जिसका उद्घाटन आज हुआ है मुख्यमंत्री के द्वारा, और पूरे संग्रहालय का दौरा करते हुए समझते हुए हर चीज को यहां पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। सभी से बातचीत करते हुए क्या क्या विशेषताएं हैं संग्रहालय की, ये यहां पर मुख्यमंत्री जानने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आज संग्रहालय का उद्घाटन आज हुआ है और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे समय वहां मौजूद रहे। सीएम हाउस में संग्रहालय का उद्घाटन आज किया गया। तो सामाजिक भलाई के कार्यों में वो राशि को खर्च किया जाएगा जो ई ऑक्शन के जरिए मिलेगी। मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्ह उपहारों को इस संग्रहालय में रखा जाएगा और उनका ई ऑक्शन होगा और ई ऑक्शन से मिली राशि को सामाजिक कार्यों में उपयोग किया जाएगा। तो खासी तैयारी यहां पर की गई, आप देख सकते हैं, सजावट देख सकते हैं, यहां पर किस तरह से पूरे संग्रहालय को तैयार किया गया है, सजाया गया है। आज के दिन को लेकर बेहद खास दिन, आज सीएम हाउस में संग्रहालय का उद्घाटन आज हुआ है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम हाउस में संग्रहालय का उद्घाटन आज हुआ। मुख्यमंत्री को मिले उपहारों के लिए ये संग्रहालय बनाया गया है। स्मृति चिन्ह और तोहफों की यहाँ ई ऑक्शन हो सकती है। सामाजिक भलाई के कार्यों में राशि को खर्च किया जाएगा, जो राशि आएगी ई ऑक्शन के जरिए। तो मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद है संग्रहालय में, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम हाउस के संग्रहालय की, जहां पर मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्ह तोहफे उपहार यहां पर रखे गए हैं। तो बेहद ही खास दिन आज का, और किस तरह से इन उपहारों को का ई ऑक्शन होगा और जो राशि निकल कर आएगी उसे सामाजिक कार्य में उपयोग किया जाएगा उस राशि का। तो कहीं ना कहीं यहां पर इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कब बाहर आएंगे और वो इस मौके पर कुछ कहते हैं, इसका यहां पर इंतजार हो रहा है। मुख्यमंत्री पूरे संग्रहालय का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक चीज को समझने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ कई और लोग मौजूद हैं। सबसे पहले वो यहां पहुंचे, उन्होंने रिबन काटा और उसके बाद इसका संग्रहालय का उद्घाटन यहां पर किया गया। बेहद ही खास मौका, खास दिन आज का, सीएम हाउस में संग्रहालय का उद्घाटन आज किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, लाइव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। तो सबसे खास बात यह है संग्रहालय की, संग्रहालय में मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्ह और तोहफे जो मुख्यमंत्री को मिले होते हैं उन्हें यहां पर रखा जाएगा, उनका ई ऑक्शन होगा और जो राशि निकलकर सामने आएगी उसे सामाजिक कार्य में उपयोग किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं मनोहर लाल। हम जो कहेंगे हम कर देंगे। देखिए, पिछले कई वर्षों से लगातार जो कुछ भेंट मिलती थी या जो पुस्तकें भी इस नाते से भेंट में आती थी, उन सब का एक भंडार जो मेरे आवास पर रखा रहता था और उसमें बहुत उपयोगिता उसकी हो नहीं पा रही थी। मुझे तो बहुत समय मिलता नहीं था, लेकिन यह है कि इसको सार्वजनिक रूप से इसका कैसे उपयोग किया जाए, उसी में से एक योजना बनी कि हम एक इस आवास में ही एक लाइब्रेरी और जो भेंट मिलती हैं उनका एक संग्रह संग्रहालय इस प्रकार से बनाया जाए। तो हमारे OSD जो CM रेजिडेंस हैं भुवेश्वर दयाल, उन्होंने इस सारे को अंजाम दिया है और आज एक पुस्तकालय बना है। संयोग से बजट सत्र चल रहा है तो हमारे सारे विधायक यहाँ पर उपस्थित थे, तो उनकी उपस्थिति में आज इसका उद्घाटन किया गया। ई ऑक्शन की बात आ रही है सर, कि जो सामाजिक भलाई के कार्य में जो है ई ऑक्शन करके इन तमाम, अभी उसका एक प्रावधान विचार किया है कि जितने भी गिफ्ट्स आते हैं, क्योंकि लगातार चलते हैं ये, वैसे प्रधानमंत्री जी का भी हमने देखा होगा कि उन्होंने भी अपने सारे भेंट को जितनी भी मिलती हैं उनको ऑक्शन के माध्यम से किसी न किसी अच्छे कॉज के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो अगर कोई सामयिक ऐसी किसी आवश्यकता होगी तो उसको पैसे का उपयोग वहाँ करेंगे, अन्यथा CM रिलीफ फंड में इसको डाल करके और बहुत लोगों की जो डिमांड होती है उसकी पूरी होती रहेगी, क्योंकि आखिर ये कहीं काम आते हैं और इसके द्वारा जो सहयोग मिलने वाला है, अब उसको प्राइस नहीं कहेंगे, एक सहयोग की राशि अगर मिलती है तो उसका उसको उपयोग करेंगे, लेकिन वो कार्यक्रम अभी
बनना है शेष अभी। सर कितने उपहार हैं और उनकी जो कीमत है कैसे? अभी गिनती कर रहे हैं हमारे लोग, क्योंकि दिल्ली में भी मेरे पास हरियाणा भवन में दो कमरे भरे हुए हैं जो इस प्रकार के गिफ्ट के पड़े हैं, तो कुल मिलाकर के सदुपयोग करना ये उसमें से ध्यान में आया, तो इसलिए किया। सर 2014 में जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे तो आपने एक शुरुआत की थी कि उपहार लेना और इस तरीके की परंपरा को आप पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद कई कार्यक्रमों में स्मृति चिन्ह या कई जगह पर इस तरीके की, देखिए वो महंगे उपहार का मैंने मना किया है, अभी भी मेरी ओर से मना है कि कोई भी महंगा उपहार ये नहीं लेना चाहिए, कभी भी किसी भी नेता को नहीं लेना चाहिए। सामान्य उपहार एक प्रतीक होता है, स्मृति चिन्ह होता है, प्रतीक होता है स्नेह का, कोई स्वागत करता है तो उस नाते से उसको कहीं उसकी कोई गलत भावना भी नहीं होती है सामने वाले की, लेकिन कभी भी कॉस्टली उपहार ये नहीं लेने चाहिए, ये मेरी मान्यता आज भी है। धन्यवाद। तो सुना आपने, यहाँ पर मुख्यमंत्री साफ तौर पर बताते हुए किस तरह से संग्रहालय ये बनाया गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री को मिले उपहारों के लिए ये संग्रहालय तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन आज किया गया। स्मृति चिन्ह और तोहफों की ई ऑक्शन होगी, सामाजिक भलाई के कार्यों में खर्च होगी राशि। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम हाउस में संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, खासतौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर मौजूद रहे,